तेरे राम रंग ने मुंडे पट ते नी सारे मेरे टाउन में कोई कम ते जावे ना सेव पूरी खावे ना गोरी गोरी कुड़िया नु कोई लावे ना। एक जमाना था कि जब आप कहीं भी जाओ एकॉन और एनरिके के गाने बजते थे, बट फिर एक दिल्ली के मुंडे ने इनसे इंस्पिरेशन लेके एक अपनी वाइब क्रिएट की। And this is a story of extreme lows and highs. On this episode of Teri Gali Mein, we'll be exploring the streets of Andheri with a desi kalakar with brown rang who has cast the love dose with his Angrezi beats. It is time for Yo Yo Honey Singer. अपने पे ले लिया है, आज कुछ भी हो मैं इनका ओपिनियन चेंज करा के रहूंगी। तो सबसे पॉपुलर स्ट्रीट फूड में क्या होता है दिल्ली में? दिल्ली में कबाब और ये चाट पकौड़ी छोले भटूरे। तो फिर आज हम आपको मुंबई का चाट टेस्ट करेंगे। चलो लेट्स डू इट। फर्स्ट प्लेस चंद्रूज प्योर घी चाट। इसको मुंबई की बेस्ट चाट का अवार्ड मिला है। अच्छा वाह। तो आपको लेके भी ऐसे जगह पे आए हैं जहाँ पे सब बेस्ट मिलता है। आप क्या खाते हो, मीठा तीखा? मीठा वाला अच्छा लगता है। ओह तो मीठा दे दो भैया। अच्छा बाय द वे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, पता है? कभी कभी लोग कहते हैं आप पंजाब से हो, कभी कहते हैं दिल्ली से, दिल्ली से हो, कभी कहते हैं यूके से हो। नहीं नहीं, मेरी शुरुआत जो हुई थी वो यूके की कंपनी ने करी थी 2004 में और उनसे मैं साइन हुआ था। हूँ मैं दिल्ली से। फिर 2007 से मेरा जो करियर एग्जैक्ट शुरू हुआ वो पंजाब से हुआ। तो मैंने पंजाब को रिप्रेजेंट किया, पंजाब ने सब कुछ दिया मुझे, घर बंगला गाड़ी सब कुछ। तो आई लव टू रिप्रेजेंट पंजाब मोर देन दिल्ली। चीयर्स। वाओ। पता है हमारी जो जनरेशन है ना आपके गानों पे बड़ी हुई है, हर एक लिरिक्स सबको याद है और आज भी जब याद करता है ना कोई, पीपल आर लाइक ओह आपको पता है, बहुत मजे आते हैं सुनने को। बट कहाँ से शुरुआत हुई? बिकॉज आई रिमेम्बर, जितना मुझे पता है, यू स्टार्टेड विद तबला। तबला क्लासिकल हो जाता है बहुत, ऑन द अदर हैंड रैप अलग ही जॉनर्स है। तबला स्कूल में बजाता था प्रेयर में, उसके बाद म्यूजिक प्रोडक्शन करनी शुरू करी 2011 तक। बहुत सारे आर्टिस्टों के लिए म्यूजिक प्रोडक्शन करी पंजाब में, अवार्ड जीते सारे, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड फॉर 5 ईयर्स। फिर सोचा चलो अब खुद गाते हैं, लिखना भी शुरू कर दिया था। फिर मैंने शुरुआत करी ब्राउन रंग से, फिर अंग्रेजी बीट ये सब हुआ, फिर दुकान चल पड़ी। यार ये तो बहुत कमाल था अंकल, दिल्ली वाले होते ना जो वो तीखे ज़्यादा होते हैं। और क्या उसमें प्याज व्याज भी डालते हैं? नहीं वो क्रिस्पी कम होते हैं, क्रिस्पी बहुत है। मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। फर्स्ट जो हमारा अटेम्प्ट है वो सक्सेसफुल हो गया है, पानी पूरी अच्छी लगी है। अब अगला क्या ऑर्डर करते हैं आप बताओ? सेव पूरी ट्राई करते हैं। वो क्या होता है? सेव पूरी। हम खिला रहे हैं नई चीज यो हरी सिंह को। भेल पूरी पता मेरे को। सेव पूरी खा के देखो आप। करियर के बारे में बात करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। स्कूल कॉलेज का हुआ सब? पढ़ाई मैंने करी 12वीं तक लटक लटक के, लेकिन BSc करी IT में। 2003 से मैं बीट्स बनाना शुरू हुआ, म्यूज़िक बीट्स फॉर डिफरेंट इंडिपेंडेंट म्यूज़िक आर्टिस्ट जो इंग्लिश में गाते थे, रैप करते थे। 2005 में पहला गाना एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर हिट हुआ, खड़के गलासी तेरे नाते, जो अभी बॉलीवुड की फिल्म में रीमेक भी हुआ है। ठीक है जी। ये है पैटिस और ये छोले शायद। छोले। आप डाइट वाइट फॉलो करते हो? बहुत ज़्यादा। अरे तो आज क्या चीट डे? चीट डे हो गया, आज फ्राइड है। बोल मैं फ्राइड में खाता ही नहीं बिल्कुल। हां बराबर। घर पे संगीत था? बहुत ज्यादा म्यूजिक, पापा बहुत सुनते रहे, मम्मी प्रमोट करती थी बहुत ज्यादा। लेकिन जब कॉलेज के दौरान मैं कॉलेज बंक कर करके म्यूजिक करता था तब पापा को समझ में नहीं आता, क्योंकि पापा की यही कंडीशन थी कि पढ़ाई करनी है और इंजीनियरिंग करनी है। तो मुझे लगा कि इंजीनियरिंग तो मैं कर नहीं सकता, कुछ ऐसा कर लेता हूँ जिससे कंप्यूटर मिल जाएगा घर पे, सो दैट कि मैं बीट्स बना पाऊंगा। तो मैंने तभी BSc इन IT ली और तब मुझे कंप्यूटर सिस्टम मिला, उस पर मैं जो कॉलेज का काम था वो करता और रात को मैं बीट्स बनाता हूँ। पता है साइंस वालों की खासियत होती है,
थे, आप करते हो साइंस, बट इवेंचुअली लाइफ में कुछ और ही करते हो, आर्ट हो जाता है। आर्ट हो जाता है वो। बाय द वे ये है दही। अच्छा, तो गोल गप्पे के अंदर इन्होंने हाँ वो डाल दिया, हाँ, दही डाल दिया, थोड़ा सा फिलिंग डाल दिया, और ये सेव पूरी। अच्छा, वो अलग है, वो ही ट्राई करनी चाहिए आपको। बस बस भाई पानी दो। तीखा लगा यार, दिल्ली के लोग बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं। मैं डाइट के चक्कर में सब छोड़ा हुआ। व्हाट इज योर डाइट लुक लाइक? बॉइल्ड चिकन एंड राइस, दैट इज इट। दो टाइम रात, एक बार मैं सुबह सोता हूँ 8 बजे और शाम को 4 बजे उठता हूँ। आपके चक्कर में 2 घंटे सोया हूँ, 10 बजे का उठा हुआ। हम बहुत कुछ नया करा रहे हैं ना आपसे। इतना दिन देखने को ही नहीं मिलता। 15 साल हो गए रात को काम करते हुए। अच्छा, एक फरमाइश आई है कैमरा के पीछे से कि अभी कुछ गा के सुना। उड़िए नी तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पट ते नी सारे मेरे टाउन में, कोई कम ते जावे ना सेव पूरी खावे ना, गोरी गोरी कुड़िया नु कोई मुलावे ना। हिंदुस्तानी खाना स्ट्रीट फूड सबसे बेस्ट होता है। इन्होंने शुरुआत भी ऐसे की, उनका जो फर्स्ट सॉन्ग था फर्स्ट प्लेस पे फर्स्ट सॉन्ग, अब आते आगे जाते जाते सारे सॉन्ग यही करके। हाँ हाँ बिल्कुल, तो ये और खा सकते हैं क्या? बिल्कुल, क्या खाना है? ये वाला एक गोलगप्पे और देना। अच्छा, रिसेंटली मुंबई स्ट्रीट फूड में वड़ा पाव छोड़ के कुछ नहीं खाया ना? मैं बड़े मियां पे जाता रहा, कबाब खाने। उसी में गोकुल है, पता है वो क्या है? बार बार बार, बहुत बहुत ही लोकल बार है, और सब लोग का प्लान होता है कि पहले जाके बड़े मियां में खाओ, फिर जाके गोकुल में बैठ जाओ, फिर घर पहुंचे तो पहुंचे, नहीं पहुंचे तो उधर ही। वो भी नेक्स्ट टाइम ट्राई करना चाहिए आपको। दारू छोड़ दी मैंने, दारू छोड़ दी, इतनी पीता रहा कि बोतल में से 2 हाथ निकल आए थे। बोतल कहती थी या तो तू जिले या मैं जिलूं। तो अब गाने किस पे बनेंगे? गाने इश्क पे बन रहे हैं फिलहाल, इश्क का मौसम खत्म हो गया वो भी। बात करेंगे इसके बारे में, बट I want to take you to another place. वहाँ पे पता है क्या मिलता है? मुंबई का lifeline है वड़ा पाव। Okay. वो तो पता रहेगा, वो तो आपने खाया भी। But उसके बाद में मिसल पाव मिलता है। तो मुंबई आए, मिसल पाव और वड़ा पाव नहीं खाए तो फिर क्या खाए? तो जाते हैं फिर। चलो, let's go. थैंक यू बोल, अब घर जाएगी और नहीं मांगेगी। अच्छा, जितना मैंने सुना है, ये पहले भी किया है ना आपने, किसी ने आपका दिन बना दिया आपने? हाँ, वो एक बार हुआ था, पता है क्या? ब्लू आईज एक लड़की गा रही थी, बेगर थी, तो उसको ब्लू आईज आता नहीं था, वो कर रही नोटाइज नोटाइज कर दिया मैंने। मैंने कहा यार ये क्या गा रही बच्ची, 10 साल पुरानी बात है, तब मैंने उसको पैसे दिए थे। जिसमें ब्राउन रंग अंग्रेजी बीट गाना था, उसमें एक गाना था जो पहला गाना था, वो था डोप शोप ना मारे अगर। तो आई हैव सीन गर्ल्स डूइंग जॉइंट्स इन 2009 इन दिल्ली, तो मैंने कहा यार एना भी ना डोप शोप मारे अगर, तब उन पे मैंने ये गाना लिखा था। आपको सबसे ज्यादा घूमने को कौन सी जगह अच्छी लगती है? मैं घूमता नहीं हूँ बेसिकली, मेरा काम ऐसा है कि मुझे बहुत घूमना पड़ता है, लेकिन मैं पूरी दुनिया ट्रैवल किया हूँ लेकिन मैं घूमा नहीं हूँ। इसमें फर्क क्या है कि आज तक इतने सालों से दुबई में जाने के बावजूद मैं आज तक बुर्ज खलीफा नहीं गया। I love to spend time with people, not with the places and the locations. मेरा काम क्या है कि मैंने एक कमरे में बंद होके 4 लाइनें लिखनी है जो millions of लोगों ने जिससे कनेक्ट करना है। वो तभी कनेक्ट कर पाऊंगा अगर मैं ह्यूमन साइकोलॉजी डेली टू डेली लाइफ की समझ पाऊंगा, कल्चर्स की समझ पाऊंगा। मेरे गाने वर्ल्ड वाइड क्यों हुए, क्यों कनाडा में लोगों ने पसंद किया, दिल्ली महाराष्ट्र टिल चेन्नई क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि शायद मैं इन लोगों की बातें ऑब्जर्व करके लिख रहा था। तो मुझे घूमना खास पसंद नहीं है, मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है, अलग अलग तरह के, अलग अलग एक्सेंट्स, कल्चर्स। वैसे पहले बहुत सारे एल्बम्स में से 2 एल्बम्स बहुत ज़्यादा फेमस हुए, सबने बहुत प्यार दिया, ये थर्ड एल्बम हनी 3.0 जो आ रहा है, क्या अलग होने वाला है उसमें? पहले काफ़ी कुछ अलग था, जब मैंने एल्बम शुरू करी थी आई वॉज इन लव एट दैट टाइम, आई वॉज इन रिलेशनशिप, तब बहुत रोमांटिक चली गई थी एल्बम। लेकिन जो मेरे दोस्त यार हैं, क्रिटिक्स हैं, भाई हैं, उनको मैं सुनाई, तो एक मेरा भाई है छोटा लियो पटियाला से, वो मेरे पास आया,
तो मैंने उसको एल्बम सुनाई तो वो बोला कि इसमें बहुत कुछ नया है और बहुत बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो गया एल्बम, हनी सिंह फैन के लिए ज़्यादा कंटेंट नहीं है। देन आई फिट माई एल्बम फ्रॉम जनवरी, 3 महीने लगे पूरी एल्बम फ्लिप कर दी मैंने, अब बहुत मसाला मस्ती चुलबुली बातें फन है। सो ये चार टाइप का मिसल है, ये वाला जो है ये कोल्हापुर का है, झंझणी बोलते ना फुल झंझणी चप्पल मशहूर है। हाँ भाई एग्जैक्टली, ये पुणे का है बेसिकली, चटपटा बहुत रहेगा। ये है नासिक का, लास्ट वाला है जैन, इसमें कांदा लहसुन नहीं है। कहाँ से शुरुआत करना चाहिए? वो एकदम मीडियम वाला। आपको साउथ इंडियन ज्यादा पसंद है कि नॉर्थ इंडियन? दोनों बराबर, साउथ इंडियन काफी पसंद। हमारे वहाँ पे है दिल्ली में सरवाना भवन, वहाँ किसी टाइम पे जाते थे हम लोग 10-12 साल पहले, वो है बहुत ऑथेंटिक, मतलब फाइन और कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं और फ्लेवर ऑथेंटिक है बहुत। कौन सा क्विजीन पसंद है? लेबनीज और अरबिक फूड ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ग्रिल है वो काफ़ी टाइम से वो पसंद है। उससे पहले इंडियन में बारबेक्यू मुगलई, नॉट बारबेक्यू ग्रेवी श्रेवी वाला रोगन जोश वो सब ने, बारबेक्यू इंडियन में, मुगलई में बारबेक्यू, हमारे पंजाबी में तंदूरी चिकन वगैरह वो सब, और जब मसाले एकदम कम कर दिए वैसे ही लैम चॉप्स वगैरह, उस तरफ मेरा टेस्ट डेवलप हो गया, लैम मिश्री शीश तो वो सब, तो वो लेबनीज ज़्यादा हो गया। आप कुक करते हो? बहुत अच्छा, मैं बनाता हूँ पोर्चुगीज चिकन। क्या होता है उसमें? वो क्यों बताएंगे, रेसिपी नहीं बताता मैं, आप आना दिल्ली खिलाएंगे आपको, एक एपिसोड करेंगे मेरे घर पे। डन 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 भाई, इधर आओ। बटर है, बटर, बटर तवे पे डालो, और ये आलू है ना उसमें गर्म करके दे दो सिर्फ आलू। तो अब नई डिश बनने जा रही है, प्रोबेबली इसके बाद में आपका नाम लगा कि ये लोग बेचने भी लग जाए उसको, बटर आलू, यो-यो बटर आलू, यो-यो बटर आलू। अच्छा, कमिंग बैक टू योर जर्नी, एक फेज था बीच में जहाँ पे बहुत पहले तो बहुत ज्यादा यो-यो सिंह की बहुत फैन फॉलोइंग थी, फिर अचानक यू डिसअपीयर्ड एंड पीपल वर वंडरिंग क्या हुआ, व्हाट इज हैपनिंग। मैं सूखे नशे बहुत करता था, शराब बहुत पीता था, तो सब कुछ कोलैप्स हो गया था। मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक सिम्टम्स हुए थे, जो मैं 5-5.5 साल घर में रहा और ना मैंने टेलीफोन इस्तेमाल किया, ना मैंने टेलीविजन देखा, ना मुझे कुछ होश थी। यू वर इन अ बैड प्लेस बट देन यू गॉट आउट ऑफ इट, और वो बहुत जन नहीं कर पाते। अपने आप हो गया सब धीरे धीरे, वक्त लगा, म्यूजिक भी छोड़ दिया था 4 साल, इस हालत में नहीं था कि मैं किसी से बात कर पाऊँ, किसी से मिलता नहीं था, और तकरीबन 2.5 साल मैं अपने घर से बाहर नहीं निकला, 1.5 साल अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, मैं शावर भी लेता था तो दरवाज़ा खोल के लेता था, इतना मैं फियर में था, और बहुत अलग से साइकोटिक सिम्टम्स, बहुत सीवियर कंडीशंस होती है, लोग बोलते हैं डिप्रेशन वगैरह ये वो सब कुछ भी नहीं था, उसका बाप था मुझे, बहुत इंटेंस था जो था, और दुनिया भर के 6 से 7 डॉक्टर्स लगे ठीक करने में, कई बड़े से बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये तो उसको दवाई खिलाओ, खाना खिलाओ, सुलाओ, जगाओ, जिम कराओ, बस ये अब यही कर सकता है पूरी ज़िंदगी। आपका सबसे बड़ा सपोर्टर वो टाइम पे कौन था? माय मॉम डैड एंड माय सिस्टर। चलो एक करके देखते हैं भाई, पाव के ना दो मतलब है, एक तो पाव महाराष्ट्र में हुआ, पाव पंजाबी में बोलता पाव, पाव मतलब डालो डालो, ए पाओ उथे पाओ, ऐथे पाओ उथे पाओ, है ना, वो भी पाव, सभी कड़े पाव पाव पाव। ये क्या है, नमकीन है, ये नमकीन है, शुगर केन जूस, ना जूस, पंजाब का हाईवे याद आ गया। वैसे गन्ना तोड़ के खाया है? बहुत, हमारे दिल्ली में मिलती गंडेरिया। हाँ गंडेरी मतलब वो चॉप करके देते हैं, हाँ बराबर, गन्ने को छील के, पंजाब में नहीं मिलती वो, पंजाब में अल्फाज मेरा भाई है छोटा, हाँ मोहाली में हम लोग जो होते थे 2009-10 की बात है, वो अल्कोहलिक्स, हर चीज़ में शराब पीते थे, अल्फाज ने इजाद करी थी स्काई बोध का इन गन्ने का रस, इज टू मच ऑफ शुगर, वी हैड इट, वी वेंट मैड, दिन में भी हम लोगों ने पागल हो, हमने स्टूडियो जाना था, हम कहीं इधर गुजरे हैं, आपस में गुजरे हैं, आपस में टकरे खा रहे हैं, समझ में नहीं आ रही कर क्या दिया हमने, फिर हमें था ये उतर जाए बस, आज उतर जाए, वो 7-8 घंटे तक रही, क्योंकि प्योर शुगर एंड दैट्स वोदका, और पीने में ऐसे लग रही थी इसने काट दिया वोदका को, पीने में हमने हमारे ठाक ठाक ठाक, गाड़ी में बैठे ऐसे हो गए, वो मेरे में टकरा रहा, मैं उसमें टकरा रहा। क्या वो गाना उधर से आया, चार बोतल बोल्ड? चार बोतल बोल्ड की अलग कहानी है, चार बोतल बोल्ड का तो बहुत ज़्यादा देर बाद बना, 2013 में जब मैं
ऑस्ट्रेलिया टूर पे गया शाहरुख भाई के साथ, तो मेरी ही अपनी कम्युनिटी ने, पंजाबी कम्युनिटी ने वहाँ प्रोटेस्ट किया कुछ लोगों ने कि ये पंजाबी कल्चर को ख़राब कर रहा है और गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है और ये यहाँ नहीं आएगा। तो शाहरुख भाई ने बोला अगर ये नहीं आएगा तो टूर नहीं होगा। फाइनली वो टूर हुआ। मुझे बोले तू उसको दिल पे मत ले। 500 लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, 15,000 लोग तो पागल हो रहे थे तेरे लिए। मैं ठीक है, मेरा दिल टूट गया। मैं रूम में गया, मेरे साथ मेरा कोरियोग्राफर था, एक डांसर था। मैंने बोतल खोली, हमने तीनों ने एक बोतल ख़त्म करी। एक बोतल ख़त्म करने के बाद मैंने लैपटॉप खोला, मैंने बीट बनाई, दूसरी बोतल ख़त्म, तीसरी बोतल, मैंने लाइन लिखी, चार बोतल वोट का काम मेरे को। विद थ्री पीपल वी हैड फोर बोतल वोट दैट नाइट एंड वी मेड द सॉन्ग। आई मेड इट हियर टू शाहरुख भाई अगले दिन सुबह। मैं भाई रात को गाना बनाया, सुनो बकवास गाना है, ये चलेगा नहीं। आई सेड दिस गोना वर्क, इट वाज मैसिव। नो, आई फाउंड इट वेरी स्टूपिड एंड करेजियस। आज ब्लू है पानी पानी पानी, व्हाट इज दिस, ये कोई गाना है? स्टूपिड सॉन्ग बट इट्स वेरी करेजियस बिकॉज नोबडी वाज डूइंग दैट। सो आई सेड आई गोना डू दिस। आई हैव एन इंटेलेक्ट of a very mature guy since childhood. But this what I all did and sang is not me. It's what they want to hear, what they want to see. Bhai, itne daant nahi hai bro. Itne daant nahi rahe hum. Punjab ki yaad dila di aapne. Ganne ka juice pila ke, ganne chilwa ke. Ab jaane se pehle last sawal and kuch games bhi, but आगे क्या हो रहा है? अभी हम लोग कर रहे हैं इंडिया टूर, उसके बाद अमेरिका टूर है। उसी दौरान जो हम लोग अमेरिका में होंगे तब डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो रही है एलए में। मेरी एल्बम जो आई है हनी 3.0 के 10 गाने हैं, सो हैव टू कीप शूटिंग द 10 सॉन्ग्स एंड कीप रिलीजिंग देम। लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्लॉकबस्टर एल्बम। देखो वाहेगुरु मेहर करे, अब क्या होता है, हम तो कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा 7 साल से शेफ का हाथ चला नहीं है पता नहीं कैसा खाना बनता है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश है। लेट्स सी हाउ इट गोस। My target is Gen Z, baby. I'm coming. मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा बाहर जाके थोड़ा casually game खेले। Let's do it. Let's go. तो game बहुत simple है। Basically मैं आपको कुछ बहुत touristy चीजें बताऊंगी जो लोग मुंबई में आके करते हैं, तो आपको बताना आपने किया है या नहीं। Gateway पर फोटो खिंचाई है? नहीं। जुहू बीच पर काला खट्टा या पाव भाजी खाई है? मैंने जुहू बीच पे वो खाई है, वो पाव भाजी। अच्छा, डबल डेकर बस में बैठे हो मुंबई सब? कभी नहीं बैठा। बैंड स्टैंड के वहाँ पर ना मन्नत है। हाँ। मन्नत के घर पे बाहर सब ऐसे फोटो खिंचाते हैं। बाहर नहीं, मैं अंदर गया था। ओह ऑफ कोर्स। कभी भी स्ट्रीट शॉपिंग की है मुंबई में? लोखंडवाला से लिए मैंने पहले कपड़े, वहाँ पे लड़के होते थे उनकी दुकानें होती थी, वो अलग से हिप हॉप कपड़े बेचते थे। हाँ। किसी वक्त 2010-11 की बात है, तब लिए उनसे। अच्छा, लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया? नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। करना चाहिए, वो चैलेंजिंग है वो। अच्छा, कुछ ऑनेस्ट कन्फेशंस है, वी वांट देम फ्रॉम यू। मैं आपको बताऊंगी, आपको बताना है किया नहीं किया जो भी है। बचपन में पैसे चुराए? बहुत। किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए नहीं, बर्गर के लिए, चाउमीन के लिए, बियर के लिए। रोहित भाई के साथ बियर पीता था मैं, पापा की जेब से चुरा के पैसे। हम लोग 32 रुपीज़ की बियर की बॉटल के लिए पैसे इकट्ठे करते थे। लड़की का पीछा किया है? नहीं, किसी लड़की का पीछा नहीं किया। लड़की ने आपका पीछा किया? नहीं, किसी में हूँ नहीं ऐसा। स्कूल टीचर पे क्रश था कभी? हाँ, ज्योतिका मैडम। English. हर बार English teacher ही होती है। She was very young. She was, I think she was the trainee, but she became the teacher. She was very young and beautiful. Ever gone on a blind date? Never. Like, I don't like surprises, so I want everything कि मेरे को पहले से बताओ मैं आज क्या करने वाला हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, किसे मिलने वाला हूँ। मुझे कुछ भी surprise या कुछ भी blind नहीं पसंद। कभी open में pee किया है? कितनी बार है, तो common है, आज तक करते हैं हम लोग। स्विमिंग पूल में भी किया है? स्विमिंग पूल में भी किया कई बार। अच्छा, पूरी की पूरी बियर की बोतल निकाली है। लास्ट टाइम आप रोए कब? लास्ट टाइम मैं रोया पिछले साल, एक वक्त था कुछ पुरानी बातें डिस्कस हो रही थी। बट यू डोंट शाय अवे फ्रॉम? नो, आई डोंट क्राई, बट व्हेन आई वाज सिक आई वाज यूज्ड टू क्राई फॉर 5 hours एवरी डे। आई नेवर यूज्ड टू क्राई इन माय चाइल्डहुड, नेवर यूज्ड टू क्राई। माय डैड यूज्ड टू बीट मी एंड लाइक ऐसे देखता रहा, थप्पड़ पड़ता रहा, ऐसे देखता रहा, नाटक करता रहा, रोता नहीं था। लेकिन मैं जब बीमार रहा तो बहुत रोया, क्योंकि वो बीमारी थी ऐसी, इसमें आपको डर लगता है, आपको रोना आता है, इमोशन अलग जगह जाते हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं। उसके बाद मैं जब ठीक हो गया हूँ तो उसके बाद पिछले साल रोया। शो द मोस्ट एम्बैरेसिंग फोटो ऑन योर फोन।
Let me see. फ्रेश लाइम सोडा जो किसी टाइम पे वोदका होती थी अब फ्रेश लाइम सोडा. इट्स एंबैरेसिंग फॉर योर योहनी सिंह. दिस इज एंबैरेसिंग. अब फ्रेश लाइम सोडा पे गाना. फ्रेश लाइम सोडा पे गाना. पाकिस्तान में कभी हाथ से खाना खाया? हाँ कई बारी. चिकन तो हाथ से खाता हूँ. बिगेस्ट रिग्रेट इन लाइफ? इज नो रिग्रेट इन लाइफ. नो रिग्रेट. अच्छा सिलीएस्ट एक्सक्यूज दैट यू एवर यूज्ड टू गेट आउट ऑफ समथिंग या कुछ? 40 आई है और मुझे अभी भी आ रही है. अब खत्म करो शो. One person you won't mind texting for work? Yeah, Rehman. I just met him. We did Chennai show. Yeah. हमारे पूरा इंडिया टूर खतरनाक गया है. मैसिव स्ट्रेंथ, पागलों की तरह ग्राउंड, लेकिन चेन्नई में स्ट्रेंथ कम थी. मेरा मूड ऑफ हो गया. मैं रोहित भाई को बोला, मैं यार चेन्नई में ना कम रह गया, हल्का रह गया, लगता है प्रमोशन वीक रही. तो कहता मेरे पास उससे बढ़िया चीज़ है, शो जैसा मर्जी गया. रात को रहमान सर घर बुला रहे. तो 1:30 बजे सर ने घर बुलाया. सर के साथ 2 घंटे स्पेंड किए. He is god of music. I am a musician right now just because of A.R. Rehman sir and Apache Indian. That's why I'm a rapper today. Wow. Okay. Thank you so much. Thank for you, being Ji. With us today. That was Yo Yohani Singh with us on Curly Tales in this episode of Tere Gali Mein. Jaate jaate ek last gana hai. Char bottle vodka, kaam mera rose ka. Pehle tha baby, ab nahi rehta ye rose ka. Thank you. Oh, nice. Thank you so much. Thank you. All right. Lovely. All right. Thank you.